हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि एरकेट के इवेंट में जो अभी प्राइस काउंटर खुला है, तो उसमें बहुत सारे प्राइजेस आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं या फिर किसी को पॉइंट्स कम मिले हैं। सब डाउट में ये वीडियो में क्लियर कर दूंगा। पहले तो बता दूँ, प्राइस जो आउट ऑफ स्टॉक हुए हैं इस पे तो उन लोग की भी कोई गलती नहीं और हम लोग की भी कोई गलती नहीं। ईमेल में उन लोगों ने डायरेक्ट क्लियरली बताया था कि यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहेगा, मतलब जो पहला आएगा उसको पहला प्राइज मिलेगा और वो लेके जा सकता है। इसमें आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो वो रीस्टॉक करने का भाई कोई अपडेट नहीं आया उन लोग की तरफ से। वो तो हम लोग की ही गलती है कि हम लोगों ने लेट प्राइस को रिडीम किया, और जबकि ईमेल तो सुबह 6 या 7 बजे सबको आना चालू हुआ था। बट उन लोगों ने वैसे कल कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि कल प्राइस काउंटर खुलने वाला है, पर उन लोग ने सुबह प्राइस काउंटर ओपन किया तो जो सुबह रिडीम कर सकते थे उन लोग ने सब ने रिडीम करके वो जितने भी गूगल क्लाउड के कॉम्पैक्ट किट या कार टूल वो सब आउट ऑफ स्टॉक हो गए। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे था। इन लोगों ने ईमेल पे भी यहाँ पे मेंशन किया है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी फिलहाल जो भी स्टॉक में है तो आप उसको रिडीम कर लो, वरना वो भी आउट ऑफ स्टॉक होएगा। और बात करते हैं किसी किसी को पॉइंट्स कम मिले हैं या कुछ तो हुआ है उनका डाउट, वो डाउट क्लियर करते हैं। अभी मैंने एक दो बार कमेंट देखे कि किसी को 25 पॉइंट्स था तो उसको 23 या 24 मिला है। आप लोग एक काम कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल दूंगा, उस पर आप पूरा नोट करके वो ईमेल पे अपना प्रॉब्लम सेंड कर सकते हो, वरना चैट सपोर्ट पे जाके टिकट रेस कर सकते हो, उससे भी आप लोग कर सकते हो। और आपको जल्दी इससे अपना जो प्रॉब्लम है वो रिसॉल्व हो सकता है। और अभी बस मैं यही एक बात बोलने वाला हूँ कि अभी जो भी स्टॉक में है वो आप लोग रिडीम कर लो, नहीं तो वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है। बस बस ये वीडियो के लिए यही था। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एरकेट 2024 में जो इवेंट आने वाला है उसके भी सॉल्यूशन आपको यही चैनल पे मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।